नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज पांचवा दिन है। पांचवें दिन भी लगातार विपक्ष हंगामा करते नजर आ रही है। विपक्ष का सीधे कहना है कि जेएसएससी पेपर लीक मामले को सीबीआई से जांच करानी चाहिए और पंचायत सहायक के लोग भी सड़क पे उतरे हैं, उनकी भी मांगों को सरकार को सुननी चाहिए। तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक, आइए सुनते हैं। ये इस राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज के दिन में हमारे युवा जो है पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठे हुए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। हम लोग ऐसा नहीं कि सदन में दूसरे मुद्दे नहीं लेकर के आते, रोज क्वेश्चन के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, कार्य स्थगन के माध्यम से, जीरो आवर के माध्यम से हम लोग अलग अलग चीज़ों को भी लेकर के रखते रहे हैं। लेकिन हमारा प्रमुख मांग है कि भाई आप युवाओं को नौकरी दीजिए, एग्जाम को ठीक से कंडक्ट कराइए। मैं भी युवा हूँ, मैं भी लड़के यहाँ तक आया हूँ। बहुत बार मैं जेल गया, मार खाया, पुलिस ने यातना दी, तब मैं लड़ भिड़ कर आया। तो ऐसा नहीं है, हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आशा निराशा में भी आशा और आशा में भी निराशा होती है, तो इसलिए जीवन संघर्ष है, संघर्ष के साथ ही युवा आगे बढ़ता है। पेपर लीक मामले में जो माननीय मंत्रीगण हैं वो झारखंड के मंत्रीगण हैं। अगर हम कोई भी बात, कोई भी सवाल झारखंड का पूछते हैं, अपने क्षेत्र का पूछते हैं, अपने राज्य का पूछते हैं, तो ये लोग कभी यूपी चले जाते हैं, कभी दिल्ली चले जाते हैं, कभी पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। तो इनसे हमें कौन सा सवाल पूछना चाहिए, यही अभी तक हम लोगों को पता नहीं है। कल भी जब माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे, आपने देखा होगा कि गोल गोल घुमा घुमा करके पहले इनको यूपी का देखना चाहिए, दिल्ली में क्या हो रहा है, हिमाचल में क्या हो रहा है। अरे भाई, पहले हमको झारखंड देखना है, झारखंड तो देख लीजिए, फिर हम पूरे देश में घूमते रहेंगे। तो ये तो स्थिति है इनकी। एक तो कोई जवाब तैयारी करके आते नहीं है। हम लोग भी मंत्री रह चुके हैं, हम लोगों का बिल्कुल स्पष्ट जवाब होता था, सभी लोगों को संतुष्ट करते थे। माननीय सदस्यों का जो जवाब होता था, जो सवाल होता था, उनको वो जवाब से हम संतुष्ट करते थे। अब ये लोग फेंका फेंकी करते करेंगे, सोच रहे हैं, देखेंगे। कल ही जब बात आई थी डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज, मैं छात्रों के हित में हमेशा काम करती रहूंगी और उनके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी, चाहे अपने सरकार के विरुद्ध बोलना पड़े या फिर जो भी कदम उठाना पड़े। और हमने वही किया है और हमेशा करा है और करती रहूंगी। सीजीएल के सीजीएल को लेकर कुछ बता दीजिए, सीजीएल को कब डेट अनाउंस कराएंगे? ठीक है, मुझे ये पूरा उम्मीद है कि कैबिनेट से पहले इन सारी चीजों को पूरा करने का कोशिश किया जा रहा है और कोशिश सफल भी रहेगी। और पेंडिंग जो रिजल्ट है वो भी आएंगे, वो भी कैबिनेट, वो भी आचार संहिता पूरा कंडक्ट के पहले ही मुझे पूरा विश्वास है कि उसको, क्योंकि प्रयास यही है हमारी सरकार का। हमारा यही प्रार्थना था माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने बोला कि हम भी यही चाह रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है हमारे आलमगीर आलम, हमारे सीएलपी लीडर भी लगे हुए हैं इसको जल्दी कराने। तो अभी आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक। खासकर नीरा यादव कहते नजर आ रही थी कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार से जब सीबीआई जांच की मांग छात्रों को लेकर पूछा जाता है तो वो यूपी और दिल्ली की बात करने लगते हैं। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मामले को कितने संज्ञान में लेती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।